एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माली और आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और ये है नवरात्रि व्लॉग। सो आई कुडंट शूट एनीथिंग द होल वीक क्योंकि स्कूल था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों के। सो बट आज का दिन फ्री है और आज अष्टमी है जो कि दुर्गा अष्टमी कही जाती है। तो आज होने वाला है हवन जिसकी फुटेज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और कल होंगी कंजकें। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ टू डे ब्लॉग, दैट वुड बी अ बेटर क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आई ऑल्सो गॉट अ न्यू हेयर कट जो मैं कल सुबह आप सबके साथ सही से शेयर करूँगी बिकॉज नाउ माई हेयर इज़ लुकिंग वेरी क्रीजी एंड ऑल। सो या एंड अदर देन दैट काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है क्योंकि दशहरा है और कंजकों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बच्चे आते हैं और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो या वी आर गोइंग टू डू दैट। सो चलते हैं और हवन की तैयारी करते हैं। सो फाइनली चौक पूरा हो गया और अब इसके ऊपर हवन की वेदी रखी जाएगी। सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर दैट। फाइनली हमारा हवन का सारा सामान कंप्लीट हो गया है। ये हमारी पूजा की रोली चावल है, ये हवन सामग्री है। अभी नारियल और पान के पत्ते रह गए हैं, वो आने हैं और उसके बाद हमारा हवन शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ इट और वेट करते हैं, पापा आएंगे उसके बाद हवन शुरू होगा। सो लेट्स गो। ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा। काम काम वीर वासिनी स्वाहा, श्री दुर्गा देवे परमाहुति समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। जय गणेश देवा, माता लक्ष्मी पार्वती, पिता महादेवा, हर चरण फूल चरण और चरण मेवा, लड्डू के भई तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिदूर विराजत, ओम जय अम्बे गौरी, बोलो अम्बे मात की जय। फाइनली हवन कंप्लीट हो गया, अच्छे से निपट गया बहुत सारे मंत्रोच्चारण के साथ में। और अब मम्मा फलहार रेडी कर रही है यहाँ पे, लेट्स सी क्या बनता है। मोस्टली जहाँ तक है पकौड़ी वगैरह बनने वाली है। सो या एंड बाकी हम चने वगैरह भिगोने वाले हैं सुबह के लिए और वो सारा काम करने वाले हैं। बाकी की फुटेज आपको दिन में मिलेगी कंजकों के टाइम में। सो मिलते हैं सुबह आपको कंजकें खिलाते हुए। तो अभी मम्मा फलहार बना रही है, ये है आलू और ये है कूटू और शी मेक सम स्पेशल काइंड ऑफ पकौड़ी, मतलब टिक्की को इस बैटर में लपेट के बनाती है एंड दैट टेस्ट सो डैम गुड, रियली रियली गुड एंड आई एम रियली वेटिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो लेट्स गो एंड ईट दिस। इट्स द नेक्स्ट डे और अभी हम कंजकों की तैयारी कर रहे हैं, सारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है और मेरे बाल धुलने के बाद ऐसे हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग और बच्चों पे बुली बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि उसमें नए लोगों की आदत नहीं। सो खाना ऑलरेडी रेडी है, मम्मा पूड़ियाँ बना रही है और ये सारा सामान यहाँ पे रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। छोले बने हैं, हलवा बनाए, चने हलवा जो प्रसाद होता है वो है, टमाटर आलू की सब्ज़ी है और पूड़ियाँ हैं। बस इतना ही है सिंपल सा क्योंकि कुछ ज़्यादा बच्चे ऐसे भी नहीं खाते क्योंकि खाकर थोड़े होते हैं। सो ये है हमारा बरेली का सबसे फेमस नौ देवी मंदिर जहाँ पे जब हमारे नवरात्रे होते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। दिस इज स्पेशली नौ देवी का मंदिर है, यहाँ पे नौ देवियाँ स्थापित हैं पूरा और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, यहाँ का मेला इतना फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे तैयारियाँ होती है, डेकोरेशन होती है, आप देख सकते हैं भीड़।
दिस वॉज इट। और ये है वो नौ दिन जो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल वो वाला फ़ोन। फाइनली कंज के निपट गए हम, नौ देवी मंदिर भी हो आए और मेला भी देखा है फिलहाल, ज़्यादा नहीं। और मैं वहाँ से लेकर आई थी, आई रियली लव दिस बलून सो बबल्स हैं एंड आई रियली रियली लव दिस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मैं हमेशा अपने पास ज़रूर रखती हूँ एनी टाइम आई हैव, क्योंकि दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, मुझे बबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।